हेलो फ्रेंड्स, आज के स्पेशल लेक्चर में हम बात करने वाले जिस टॉपिक पर, वो टॉपिक है आवृत बीज पौधों में जनन अर्थात रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट, या कह सकते हैं रिप्रोडक्शन इन फेनोटोगैमिक प्लांट्स, पुष्पीय पौधों में जनन। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आवृत बीजी पौधे हैं क्या। तो अगर हम क्लासिफिकेशन देखें प्लांट्स का, एक ट्रेडिशनल वे से यानी एक पारंपरिक ढंग से अगर पौधों का वर्गीकरण किया जाए तो जो प्लांटिक किंगडम है, प्लांटिक किंगडम को दो सब किंगडम में डिवाइड किया गया। फर्स्ट आपका क्रिप्टोगैमिया और दूसरा आपका फेनोटोगैमिया। ठीक है, क्रिप्टोगैमिया और फेनोटोगैमिया दो सब डिवीजन है आपका किंगडम प्लांटी के। जगत, पादप जगत को दो उप जगतों में डिवाइड किया गया है, क्रिप्टोगैमिया और फेनोटोगैमिया। हम बात करें क्रिप्टोगैमिया, तो क्रिप्टोगैमिया में इस प्रकार के प्लांट्स आते हैं, इस टाइप के पौधे आते हैं, या इसमें कह सकते हैं प्रिमिटिव प्लांट्स आते हैं, आद्य पौधे होते हैं, या कह सकते हैं प्राचीन काल के पौधे होते हैं। इनमें वास्तविक रूप से जड़ तना पत्ती इनका लैक होता है या इनका अभाव होता है। जड़ तना पत्ती, फल फूल ये सब चीजें इसमें नहीं पाई जाती है। वास्तविक रूप से होती हैं, कुछ प्लांट्स होती हैं, कुछ लोअर प्लांट्स होती हैं क्रिप्टोगैमिया के, लेकिन वो जो है आप कह सकते हैं कि फॉल्स कह सकते हैं, या वास्तविक ट्रू लीव्स या ट्रू स्टेम या ट्रू रूट्स या कह सकते हैं ट्रू फ्लावर एंड आपका बर्ड्स, इस टाइप से चीजें संसाई नहीं पाई जाती हैं, वास्तविक रूप से नहीं होती हैं। ठीक है, कुछ इनके साइटोफॉर्म हो सकते हैं, कुछ इनके आभासी रूप हो सकते हैं। ठीक है, और दूसरे सब किंगडम की बात करें था तो फेनोगेमिया की। फेनोगेमिया ये ऐसे पौधे होते हैं जिनमें वास्तविक रूप से जड़ तना पत्ती ये सब चीजें इसमें कम्प्लीटली पाई जाती हैं, विकसित होती हैं। और फिर से हम बात करें, सबसे पहले हम क्रिप्टोगेमिया की बात करें। क्रिप्टोगेमिया को हमने तीन जो है डिवीजन में डिवाइड किया है, और जो फेनोगेमिया है, फेनोगेमिया को हमने दो डिवीजन में डिवाइड किया है। थोड़ा सा इसका क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं, तब आसान रहेगा पौधों के बारे में थोड़ा समझना। तो फर्स्ट हम बात करें प्लांटिक किंगडम की, यानी एक ट्रेडिशनल वे के अनुसार एक पारंपरिक ढंग से पौधों का जो वर्गीकरण किया गया है, तो जो प्लांटिक किंगडम है किंगडम जो प्लांटी है, प्लांटिक किंगडम को दो सब किंगडम में डिवाइड किया गया है। इसे दो उपजगतों में डिवाइड किया गया है। ये दो जो सब किंगडम है, फर्स्ट है आपका सब किंगडम, इसे कहते हैं क्रिप्टोगैमिया, और दूसरा जो है आपका फेनोटोगैमिया। दो सब किंगडम या दो उपजगत हैं। फिर हम बात करें क्रिप्टोगैमिया, तो हमने बताया क्रिप्टोगैमिया में इस प्रकार के प्लांट्स आते हैं, इस प्रकार के पौधे आते हैं, स्पेशली लोअर प्लांट्स आते हैं। ठीक है, या प्रिमिटिव प्लांट्स आते हैं, प्राचीन पौधे जो होते हैं वो होते हैं। क्रिप्टोगैमिया में वास्तविक रूप से जड़ तना पत्ती या कह सकते हैं फल फूल इन सभी का अभाव होता है। क्रिप्टोगैमिया को हमने फर्दर तीन जो है डिवीजन में डिवाइड किया है, इसमें तीन डिवीजन है। क्रिप्टोगैमिया के तीन डिवीजन है, कौन कौन से डिवीजन है, फैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेडोफाइटा। जो क्रिप्टोगैमिया है, क्रिप्टोगैमिया के तीन डिवीजन हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेडोफाइटा। थैलोफाइटा में जैसे एग्जांपल देख लें, इसमें थैलोफाइटा देख सकते हैं, इसमें जैसे आपका हो गया बैक्टीरिया, हो गया एल्गी, हो गया ठीक है, इसमें लाइकिन हो गया आपका, ठीक है, ये सब इसमें आते हैं थैलोफाइटा में। और ब्रायोफाइटा की बात करें, ब्रायोफाइटा में आपका इसमें फंजाई भी आता है आपका थैलोफाइटा में। और ब्रायोफाइटा की बात करें तो ब्रायोफाइटा में इसमें आता है आपका जैसे मॉस आता है, ठीक है, ये शैवालों से एल्गी से ये एक प्रकार से जो है एडवांस फॉर्म में गए होते हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को एम्फीबियन प्लांट्स भी कहते हैं, वह जलीय पौधे होते हैं, अर्थात प्लांट्स आपका ये जल में भी होते हैं और अर्थात एक्वेटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं ब्रायोफाइटा में। और इसका एग्जांपल देखें तो मॉस इसका एक एग्जांपल हो सकता है। और टेडोफाइटा का देखें, टेडोफाइटा ये क्रिप्टोगैमिया के सबसे एडवांस प्लांट्स होते हैं। टेडोफाइटा इसका एग्जांपल से फर्न एक प्लांट होता है, इसके एग्जांपल हो गए। हमको इसके बारे में नहीं पढ़ना, हम बात करने वाले हैं आज फेनोटोगैमिक प्लांट्स के बारे में, कह सकते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट की बात करें, स्पेशली हम एंजियोस्पर्म प्लांट के बारे में बात करेंगे, अर्थात आवृत बीजी पौधे के बारे में बात करेंगे। जिस तरीके से जो सब किंगडम क्रिप्टोगैमिया है, इसको हमने तीन डिवीजन में डिवाइड किया है, उसी तरीके से हम फेनोटोगैमिया को भी दो जो है डिवीजन में, या दो हम कह सकते हैं विभागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसमें दो डिवीजन है, जो फेनोटोगैमिया है, फेनोटोगैमिया में दो डिवीजन, दो विभाग है। कौन कौन से दो डिवीजन है? फर्स्ट है आपका जिम्नोस्पर्म, और दूसरा आपका एंजियोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म दो जो है इसमें डिवीजन है,
फेनरोगैमिया में। फेनरोगैमिया क्या है, ये पुष्पीय पौधे कह सकते हैं, इसमें वास्तविक रूप से जड़, तना, पत्ती इन सब चीजें पाई जाती हैं, इसमें फल फूल भी होता है, ठीक है, फ्लावर भी होता है आपका, बड भी होता है, फ्रूट्स भी होता है। जिम्नोस्पर्म में आते हैं तो जिम्नोस्पर्म अंतर ये जिम्नोस्पर्म होता है नेकेड एंड स्पर्म में सीड, अर्थात इसमें जो सीड होते हैं वो नेकेड होते हैं, कह सकते हैं कि अनकवर्ड होते हैं, अर्थात इसमें ओवरी नहीं पाई जाती, ओवरी टाइप करती है जिम्नोस्पर्म में। और जो एंजियोस्पर्म होते हैं, एंजियोस्पर्म में सभी जो एक कंप्लीट फ्लावर कह सकते हैं, एक कंप्लीट प्लांट में जो भी स्ट्रक्चर होते हैं सब एंजियोस्पर्म प्लांट में पाए जाते हैं। तो कह सकते हैं कि जो प्लांटी किंगडम है, प्लांटी किंगडम का जो सबसे एडवांस या कह सकते हैं सबसे हाईली डेवलप जो फॉर्म होता है, हाईली डेवलप जो डिवीजन है वो आपका एंजियोस्पर्म ही है, ठीक है, अर्थात आवृतबीजी है। तो आज हम बात करने वाले हैं आवृतबीजी के बारे में। तो जितने भी आप आसपास के अधिकतर जो प्लांट्स देखते हैं, पौधे देखते हैं, वो सभी एंजियोस्पर्म में ही आते हैं, आवृतबीजी में ही आते हैं। इसको आवृतबीजी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें इसमें जो ओवरी होती है, अर्थात जो अंडाशय होता है, अंडाशय पाया जाता है, और अंडाशय की उपस्थिति कारण इसमें जो सीड होते हैं वो कवर्ड होते हैं फ्रूट के द्वारा, फल के द्वारा। आवृतबीजी और ढका हुआ बीजी में सबका सीड, अर्थात जब सीड कवर्ड हो किसके द्वारा, फ्रूट के द्वारा, फल के द्वारा, अर्थात फलों के अंदर जब बीज पाए जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं आवृतबीजी। और अनावृत बीजी अर्थात जब बीज जो है, यदि आपका जो सीड है वो अनकवर्ड हो, ठीक है, नेकेड हो, तो इसे कहते हैं जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म ये आपका फेनोगैमिया कह सकते हैं, फेनोगैम्स के दो जो है डिवीजन होते हैं। फिर से फर्दर जो एंजियोस्पर्म है इसको हम दो क्लास में डिवाइड कर सकते हैं, इसके दो क्लास है, इसके दो क्लास या दो वर्ग हैं, इसके एंजियोस्पर्म के दो वर्ग हैं, दो क्लास है, मोनोकॉटिलेडोनी एंड डाइकॉटिलेडोनी। तो आज हम बात करने वाले हैं एंजियोस्पर्म के बारे में, आवृतबीजी पौधे के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और जानेंगे किस तरीके से एक आवृतबीजी पौधे में या एंजियोस्पर्म प्लांट में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, जन्म होता है, ठीक है। स्पेशली हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, लैंगिक जनन के बारे में। तो ये स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर को। जब भी हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं आवृतबीजी पौधों में, तो एक टर्म बहुत ही ज्यादा जो है इसमें सुनने को आता है, और वो है आपका पीढ़ी एकांतरण या अल्टरनेशन ऑफ जर्नेशन। इसको आपने सुना होगा, पीढ़ी एकांतरण, पीढ़ी एकांतरण क्या है या अल्टरनेशन ऑफ जर्नेशन किसे कहते हैं, इस पॉइंट को आपने सुना होगा पीढ़ी एकांतरण के बारे में, अल्टरनेशन ऑफ जर्नेशन, थोड़ा सा इसको समझ, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। आज हम थोड़ा सा इनिशिएट करेंगे, एक प्रकार से शुरुआत करेंगे, और बाकी चूंकि काफी लंबा टॉपिक है, ठीक है, एक लंबा जो है कह सकते हैं समय लग सकता है, इसमें दो से तीन वीडियो इसमें कवर हो सकती हैं इस टॉपिक को कवर करने में, अर्थात रिप्रोडक्शन को पढ़ने में, आवृतबीजी पौधे में, ठीक है। तो आज हम केवल इसकी शुरुआत करेंगे, बाकी हम काफी कुछ जो है मैटर जो है नेक्स्ट आने वाली दो तीन वीडियो में कवर कर पाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है या फिर एकांतरण किसे कहते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन या पीढ़ी एकांतरण क्या है, अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन या पीढ़ी एकांतरण, तो आपने देखा होगा कि यूजुअली जो प्लांट्स होता है, जो पौधा होता है, पौधे में दो क्रोमोसोमल फेस पाए जाते हैं, एक पौधे में दो गुणसूत्री प्रवस्थाएं पाई जाती हैं, एक 2n फेज होती है और एक n फेज होती है। जनरली जो सोमेटिक पार्ट्स होते हैं या कह सकते हैं जो स्पोरोफाइटिक पार्ट होते हैं, ठीक है, जैसे बात करें सोमेटिक पार्ट की बात करें, स्पोरोफाइटिक पार्ट की बात करें, इसका लीव्स हो गया, पत्तियां हो गई, स्टेम हो गया, रूट हो गया, ठीक है, ये जो स्पोरोफाइटिक पार्ट होते हैं, इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो 2n होते हैं, इसमें गुणसूत्र की संख्या 2n होती है, और जो गैमेटोफाइटिक जो होता है गैमेटोफाइटिक की बात करें, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स n होते हैं। तो जनरली शुरुआत क्या होती है, हम पौधे की शुरुआत की देखें तो जो एक सीड होता है, जो एक बीज होता है, जो 2n फेज होता है, अर्थात डिप्लॉयड होता है, उसको जो आप सोइंग करते हैं, जब वो उसकी बुवाई की जाती है, तो जर्मिनेट होकर के वो सीडलिंग में कन्वर्ट होता है, उसके बाद फिर यंग प्लांट, फिर उसके बाद आपका सैपलिंग, अर्थात फिर उसके बाद एक बड़े पौधे में कन्वर्ट हो जाता है।
तो जब तक अर्थात जर्मिनेशन से लेकर जब तक फ्लावरिंग स्टेज नहीं आती, जब तक पुष्पन की क्रिया नहीं होती है, तो जो भी संरचनाएं इसमें जो है एक प्रकार से जो बनती हैं पौधे से संबंधित होती हैं, जैसे आपका जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गई, ठीक है, ये सब जो संरचनाएं होती हैं वो सब जो है आपका ट्विजन फेज वाली होती है, अर्थात द्विगुणित होती है। लेकिन फ्लावरिंग के बाद पुष्पन की क्रिया में अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें जो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट है तो मेल पार्ट में आपका गैमेट का फॉर्मेशन होता है, अर्थात पॉलन ग्रह बनता है, परागकण बनता है, और फीमेल जो आपका जो पार्ट होता है, अर्थात हम पिस्टिल की बात करें तो पिस्टिल में आपका एग का फॉर्मेशन होता है, और एग का फॉर्मेशन आपका एम्ब्रियोसाइट में या भ्रूणकोश में होता है। तो जो मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं, मेल और फीमेल गैमेट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एन होते हैं, बाकी सभी जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं पौधे के उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपका 12 होते हैं। तो शुरुआत हुई पौधे की, यानी जो लाइफ साइकिल यानी पौधे का जो जीवन चक्र शुरुआत हुआ वो 2n फेज से शुरुआत हुआ, अर्थात स्पोरोफाइटिक तरीके से शुरुआत, ठीक है, यानी शुरुआत हुई एक प्लांट की स्पोरोफाइटिक फेज में, और फिर जो है जब से फ्लावरिंग हुई, जब पुष्पन की क्रिया हुई, तो पुष्पन की क्रिया के दौरान जब उसमें गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस अर्थात गैमेट का फॉर्मेशन हुआ तब वो एन फेज में चला गया, ठीक है, और फिर मेल और फीमेल गैमेट्स बने, उनका फिजन हुआ, ठीक है, फिजन होने के बाद आपका जायगोट बना, एम्ब्रियो बना, फिर उसके बाद एम्ब्रियो जो है आपका ओयूल जो है आपका वो बनाया, आपका सीड बनाया, ठीक है, फिर से सीड जब मैच्योर हुआ और मैच्योर होकर फिर उसको जनरेशन किए, तो यहाँ तक जहाँ तक ये आपका जायगोट बना यानी गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस, और इसके बाद पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, इस बीच में आपका फर्टिलाइजेशन के बीच में यानी आपका गैमेटोजेनेसिस से फर्टिलाइजेशन के बीच में ये आपका एन फेज में रहा, लेकिन जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो गया 2n फेज में चला गया। तो बहुत ही शॉर्ट पीरियड जो है आपका गैमेटोफाइटिक फेज होती है और एक लॉन्ग जो है एक विस्तृत जो है आपका स्पोरोफाइटिक फेज होती है। तो लाइफ साइकिल में कह सकते हैं कि जीवन चक्र में एक पौधे में 2n और n फेज दोनों एक दूसरे के एकांतर में होती है, अल्टरनेट में होती है, इसे कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, यही कहलाता है पीढ़ी एकांतरण, अर्थात शुरुआत होगी आपको 2n से और जो फ्लावरिंग होगी पुष्पन होगी तो उसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, n फेज में चला जाएगा, गैमेट्स का फिजन होगा फिर 2n फेज में चला जाएगा, ठीक है, सीड का फॉर्मेशन होगा, सीड को फिर से जनरेट, सीड को फिर से सोइंग करेंगे, उसी वाई कर देंगे और फिर से आपका जो है सीड को वाई कर देंगे, अर्थात नए प्लांट्स का जो है इनिशिएशन होगा, नया पौधा तैयार होगा, नए पौधे में जब तक फ्लावरिंग नहीं आ जाएगी तब तो 2n फेज में ही रहेगा, और फिर उसके बाद फ्लावरिंग पुष्पन में जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो गैमेट बन जाएगा, फिर से फेज में आएगा, अर्थात एक प्लांट्स की लाइफ साइकिल में 2n और n फेज एक दूसरे के अल्टरनेट में कह सकते हैं कि एकांतर में आते हैं, इसे ही कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, समझ गए होंगे पीढ़ी एकांतरण क्या है, पीढ़ी एकांतरण उसे कह सकते हैं यानी जब वो किसी पौधे की लाइफ साइकिल की बात करते हैं, उसके जीवन चक्र की बात करते हैं, तो जीवन चक्र में पौधे की शुरुआत जो है आपका 2n से स्पोरोफाइटिक फेज से होती है, ठीक है, और फिर उसके बाद पुष्पन की क्रिया होती है, उसमें गैमेट फॉर्मेशन का एक बहुत ही शॉर्ट या कह सकते हैं संक्षिप्त गैमेटोफाइटिक फेज होती है। तो 2n और n फेज जो है एक दूसरे के एकांतर या अल्टरनेट में आती है, इसे ही कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यही कहता है पीढ़ी एकांतर, बहुत ज्यादा डिटेल समझने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सी थी। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, अर्थात हम सोचते हैं आवृत बीजों पौधों में जन्म किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे, एक हम फ्लावर के बारे में जानेंगे, पुष्प के बारे में जानेंगे। तो एक पुष्प के मेनली चार पार्ट होते हैं, हम फ्लावर की बात करते हैं पुष्प की, चूंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन जो है आपका पुष्प से संबंधित है, ठीक है, फ्लावर से संबंधित है, तो हम देखें तो पार्ट ऑफ फ्लावर की देखें, और कैलिक्स की जो एक यूनिट होती है उसे कहते हैं सेपल, वो कहलाती है सेपल, इसको हम कहते हैं हिंदी में बाह्य दल। अभी इसका फिगर बना रहे हैं और दिखा रहे हैं ये कहां पर व्यवस्थित होता है, एक फ्लावर में किस स्थान पर ये पाया जाता है। दूसरा जो पार्ट है फ्लावर का पुष्प का उसे हम कहते हैं कोरोला, या कहलाता है वो दल कहलाता है, दलपुंज। और दलपुंज की जो एक यूनिट होती है, इसकी जो इंडिविजुअल होती है उसे हम कहते हैं पेटल, वो कहलाता है दल, या उसे पेटल कहते हैं।
नेक्स्ट जो अगला जो पार्ट है, अगला जो वर्ण होता है, अगला जो चक्र है पुष्प का तीसरा, उसे कहते हैं एंड्रोसियम। वो कहलाता है एंड्रोसियम या कुमंग। और एंड्रोसियम की जो एक यूनिट होती है, जो इसका एक जो इंडिविजुअल होता है, उसे हम कहते हैं स्टेमन। स्टेमन को हम हिंदी में कहते हैं पुंकेसर। नेक्स्ट और जो लास्ट जो है, जो व्रण होता है, जो पुष्प का जो लास्ट जो चक्र है, उसे कहते हैं गायनेशियम कहलाता है, गायनेशियम। या जायांग, और इसकी जो एक इंडिविजुअल होती है, इसकी जो एक यूनिट होती है, उसे कहते हैं पिस्टिल। पिस्टिल क्या कह सकते हैं आप स्त्री के साथ। एक बार देख लीजिए सबको, सबसे बाहर की तरफ जो व्रण होता है, जो पुष्प का सबसे बाहर का चक्र होता है, उसे कैलिक्स कहते हैं, बाह्यदलपुंज कहते हैं। उसके बाद जो दूसरा जो उसके अंदर जो, और स्पेशली जो फ्लावर का या पुष्प का जो कलरफुल पार्ट होता है, उसे हम कोरोला कहते हैं, दलपुंज कहते हैं। दलपुंज की एक यूनिट कहलाती है पेटल, और जो आउटर जो व्रण होता है उसे यानी कैलिक्स कहते हैं। कैलिक्स की एक यूनिट होती है उसको सेपल कहते हैं। ये यूजुअली ग्रीन कलर का होता है, और ये जो आपका कलरफुल होता है, कोई भी कलर हो सकता है इसका, येलो हो सकता है, रेड हो सकता है, आपका पिंक हो सकता है, ठीक है, या हो सकता है कि व्हाइट हो, जो भी हो। और उसके बाद जो तीसरा जो ओवरऑल होता है पुष्प का जो तीसरा जो चक्र होता है, उसे एंड्रोसियम या कुमंग कहते हैं। कुमंग आपका मेल पार्ट होता है, फ्लावर का पुष्प का ये मेल पार्ट होता है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम की एक यूनिट को इसकी एक इंडिविजुअल को बोलते हैं स्टेमन या पुंकेसर कहते हैं। लास्ट जो इसमें पुष्प का जो आखिरी जो है इसका जो पार्ट होता है, उसे कहते हैं गायनेशियम या कहलाता है जायांग। ये फीमेल पार्ट होता है पुष्प का, ठीक है, एक बाइसेक्सुअल कह सकते हैं या यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर होता है उसका जो फीमेल पार्ट होता है उसे गायनेशियम कहते हैं, जायांग कहते हैं। इसकी जो एक यूनिट होती है उसे पिस्टिल या स्त्री कह सकते हैं, ठीक है। तो ये चार पार्ट होते हैं पुष्प के, एक बार देख लीजिए इसको। आइए आगे चलते हैं और एक फिगर थोड़ा समझते हैं, एक पुष्प का एक चित्र बनाकर देखते हैं ये कहां पर पार्ट कहां पर होते हैं। तो चूंकि हम जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम यूजली पढ़ेंगे एंड्रोसियम और गायनेशियम के बारे में। एंड्रोसियम को तुमको थोड़ा सा जाना जरूरी है, और गायनेशियम के बारे में भी थोड़ा सा समझना जरूरी है, क्योंकि यही पे गैमेट का फॉर्मेशन होगा। एंड्रोसियम का जो स्टेमन है, स्टेमन का जो पार्ट होता है, उसमें जो है आपका जो एंथर है, जो अर्थात जो परागकोष है, उसमें जो बनेगा पोलन ग्रेन बनेगा। थोड़ा सा एक हम शॉर्ट फिगर देख लेते हैं, संक्षिप्त पुष्प का एक फिगर देख लेते हैं। ये हम बना रहे हैं एक फ्लावर या पुष्प की संरचना को, और बता सबसे बाहर की तरफ जो संरचना होती है उसे कहते हैं, ये कहलाती है आपका कैलिक्स। ग्रीन कलर की होती है स्पेशली, ठीक है, ये ग्रीन कलर की संरचना होती है। और लीफ लाइक सेक्शन की पत्ती मास संरचना होती है। इसके बाद कलरफुल पार्ट होता है जिसे कोरोला कहते हैं। ठीक है, ये कलरफुल पार्ट होता है इसे कोरोला कहते हैं। उसके बाद जो है मेल पार्ट आता है फ्लावर का, पुष्प का जो नर भाग आता है, उसे कहते हैं एंड्रोसियम कहते हैं, वो कहलाता है एंड्रोसियम। ठीक है,
लगभग एक फ्लावर यानी एक जो आइडियल पुष्प होता है जो एक एंजियोस्पर्म की फ्लावर है, ठीक है, आवृत बीज पुष्प है लगभग कंप्लीटली तैयार हो चुका है। थोड़ा सा इसके पार्ट समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने बताया था कि पुष्प का सबसे जो बाहरी भाग उसे कैलिक्स कहा जाता है, उसमें सबसे बाहरी भाग उसे कैलिक्स कहते हैं। तो आप यहाँ जो ग्रीन पार्ट देख रहे हैं ये कैलिक्स ही है, इसे ही कैलिक्स कहते हैं। और चूंकि हम एक यूनिट की बात करें तो इसे बोलेंगे सेपल, बोलेंगे ये कहलाएगा बाह्य दल, इसे बोलेंगे बाह्य दल या सेपल। उसके बाद जो पुष्प का जो कलरफुल पार्ट होता है उसे हम पेटल कहते हैं, तो ये है पेटल, ऐसे दल कहते हैं, ये पेटल या दल है। इसके बाद उसका मेन पार्ट है जो पुष्प का, जो पुष्प का जो नर भाग होता है उसे कहते हैं स्टेमन या पुंकेसर कहते हैं। और स्टेमन की एक स्टेमन के तीन पार्ट होते हैं, इधर हम लिख दे रहे हैं, एक स्टेमन जो होता है जो पुंकेसर होता है इसके तीन पार्ट होते हैं, एंथर, इसको कहते हैं पराकोष, कनेक्टिव या संयोजी, और लास्ट में जो होता है फिलामेंट। एक स्टेमन या पुंकेसर के तीन भाग होते हैं, एंथर यानी पराकोष, कनेक्टिव यानी संयोजी और फिलामेंट, ठीक है। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। ये स्टेमन है जो आप देख रहे हैं, इसे स्टेमन कहते हैं, ये पुंकेसर कहलाता है। ये जो ऊपर तरफ जो सैक लाइक स्ट्रक्चर जो थैलेमस संरचना है इसे कहते हैं एंथर, ये पराकोष कहलाता है। ये है एंथर यानी पराकोष। तुमने बताया था कि स्टेमन का फर्स्ट पार्ट एंथर कहलाएगा, ठीक है, पराकोष कहेंगे इसे, ये कहलाएगा पराकोष। फिर उसके बाद एंथर में लोब होते हैं, एंथर में पालिया होती है, लोब से ये बना होता है, ठीक है। आपका यूनिलोब हो सकता है, बाइलोब हो सकता है, ठीक है, मोनोथिकस हो सकता है, डाइथिकस हो सकता है। तो ये लोब पाए जाते हैं इसमें, दोनों जो लोब, इस यहाँ पर हमने दो लोब बनाया है, तो दोनों जो लोब होते हैं एक सिचुअल के द्वारा या कह सकते हैं एक सेप्टा के द्वारा जुड़े होते हैं। इस सेप्टा को ही कनेक्टिव या संयोजी कहते हैं, ये होता है कनेक्टिव या संयोजी, इसे कनेक्टिव या संयोजी कहते हैं। और एक धागेनुमा संरचना होती है जो इसके बेस से जुड़ी होती है, यहाँ पर जो देख रहे हैं इसके बेस से जुड़ी होती है, या कह सकते हैं एंथर या पराकोष से एक धागेनुमा संरचना या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जुड़ी होती है, इसको फिलामेंट कहते हैं। तो ये है फिलामेंट, इसे बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। तो एक स्टेमन के तीन पार्ट होते हैं, सबसे ऊपर की तरफ जो साइक लाइक स्ट्रक्चर है जो थैलेमस संरचना है उसे पराकोष कहते हैं। पराकोष में एंथर में ही आपका पोलन ग्रेन यानी पराकण बनने हैं, अर्थात मेल गैमेट का जो फॉर्मेशन होगा वो आपका एंथर में होगा। यूजुअली हम एक पराकोष की बात करते हैं तो पराकोष में दो लोब होते हैं, दो पालियां होती हैं, और एक पाली में दो चैम्बर होते हैं या दो माइक्रोस्पोरेंजियम होती है, ठीक है, लघु बीजाणु धानियां होती हैं, और माइक्रोस्पोरेंजियम में ही आपके माइक्रोस्पोर बनते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेल पार्ट। उसके बाद फीमेल पार्ट की बात करें यानी पिस्टिल की बात करें अर्थात स्त्री केसर की बात करें, तो पिस्टिल के भी तीन यूजुअली तीन पार्ट है। ये ऊपर की तरफ स्टिग्मा, इसे कहते हैं स्टिग्मा, ये कहलाता है स्टिग्मा, अर्थात इसे कहते हैं वर्तिकाग्र, ये है स्टिग्मा वर्तिकाग्र। और ये ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो आप नलिका कार्य जो संस्था देख रहे हैं इसे कहते हैं स्टाइल। और इसके बाद नीचे की तरफ जो स्वेल पार्ट है जो थोड़ा सा फुला हुआ भाग है ये कहलाता है ओवरी, ये ओवरी अंडाशय कहलाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं, जैसे मैंने बताया कि जो मेल गैमेट बनते हैं अर्थात जो जो नर युग्मक होते हैं वो बनते हैं आपका एंथर यानी पराकोष के जो लोब होते हैं जो उनकी पालियां होती हैं, और एक पाली में हमने बताया था दो चैम्बर होते हैं, चैम्बर को ही माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, था चैम्बर में आपका पोलन ग्रेन पराकण बनना है, और पराकण के जो न्यूक्लियस होते हैं केंद्रक होते हैं वही मेल गैमेट होते हैं, वही नर युग्मक होते हैं, ठीक है। और हम बात करें फीमेल गैमेट की, तो फीमेल गैमेट कहाँ बनना है, तो आप जो देख रहे हैं ओवरी देख रहे हैं, ये जो नीचे तरफ जो स्वेल पार्ट है ओवरी के अंदर एक संरचना है इसे ओयूल कहते हैं, ये गलती ओयूल, यही कहते हैं बीजाणु। ओयूल में एक आप ओयूल के अंदर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसे कहते हैं एम्ब्रियो, ये कहलाता है एम्ब्रियो सैक, ओयूल को थोड़ा इधर बना दे रहे हैं, ओयूल ये है, ओयूल के अंदर आप जो सैक लाइक स्ट्रक्चर इसे एम्ब्रियो सैक कहते हैं। ये जो थैलेमस संरचना है ओयूल के अंदर ये कहलाता है एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक में हमने बताया था कि एम्ब्रियो सैक में चार प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, ऊपर की तरफ जो तीन कोशिकाएं हैं उसे कहते हैं एंटीपोडल या प्रतिमक कोशिकाएं, और बीच में दो कोशिकाएं हैं, ठीक है, या दो न्यूक्लियस हैं इसे हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई, और नीचे की तरफ दो प्रकार की कोशिकाएं हैं लेकिन संख्या इनकी तीन है, तो साइड में दो जो कोशिकाएं हैं उसे जो साइड वाली जो दो कोशिकाएं हैं उसे हम कहते हैं साइनरियड या एसेसरी सेल कहते हैं, और बीच में जो एक बड़ी कोशिका है उसे हम कहते हैं एग सेल या अंडकोशिका। तो वास्तविक रूप से जो फीमेल गैमेट है वो आपका एग सेल है, और ये कहां पर है एम्ब्रियो सैक में है या आपका भ्रूण कोश में है, ठीक है। और नीचे की तरफ जहां पर जो है पुष्प जिस संरचना से जुड़ा हुआ है
ये जीव संरचना से जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसे हम कहते हैं थैलेमस। जीव संरचना के ऊपर जुड़ा हुआ है वो कहलाता है थैलेमस या पुष्पासन। और थैलेमस के नीचे एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक वृंत लाइक संरचना है, उसे हम कहते हैं पेडिसल या कहलाता है पुष्प वृंत, ठीक है, ये कहलाता है पेडिसल या पुष्प वृंत। तो हमने शॉर्टली जो है एक फ्लावर यानी एक पुष्प की संरचना के बारे में जान लिया। सबसे पहले हम देखें तो अगर पुष्प की, तो पुष्प की चार भाग होते हैं, इसको हमने जिससे पहले जाना था, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गायनेसियम, ठीक है। शुरुआत होती है इधर से, सबसे बाहर का जो ओवरऑल है ग्रीन कलर का जो पार्ट होता है उसे हम कैलिक्स कहते हैं। कैलिक्स की एक यूनिट को हमने बताया सेपल कहते हैं, तो सेपल यहाँ पर हमने लिख दिया है। फिर हमने बताया था कि जो दूसरा जो ओवरऑल है, दूसरा जो चक्र है फ्लावर का, उसे कहते हैं कोरोला। कोरोला की एक यूनिट होती है इंडिविजुअल जो होती है उसकी, उसे हम कहते हैं पेटल। तो यहाँ पर जो कलरफुल पार्ट है ये पेटल है, आपका दल है। फिर उसके बाद जो मेन पार्ट आता है एंड्रोसियम, एंड्रोसियम की एक यूनिट बोलते हैं स्टेमन। और एक स्टेमन के तीन पार्ट होते हैं, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट, ठीक है। एंथर क्या है, एंथर ये ऊपर वाला जो पार्ट है जो सैक लाइक स्ट्रक्चर थैलेमस संरचना है, इसे हम एंथर कहते हैं। ये कहलाता है पराग कोष। पराग कोष में हमने बताया था कि इसमें लोब होते हैं, पालियां होती हैं, और पालियां जो है एक सेप्टा के द्वारा जुड़ी होती है, इसे कनेक्टिव संयोजी कहते हैं। एक लोब में हमने बताया था कि दो चैम्बर होते हैं, चैम्बर को माइक्रोस्पोरियम भी कहते हैं, लघु बीजाणु धानियां भी कहते हैं। लघु बीजाणु धानियों में ही लघु बीजाणु बनते हैं, माइक्रोस्पोर बनते हैं। माइक्रोस्पोर मीन्स पॉलन ग्रेन में परागकण। तो परागकण आपके कहां बन रहे हैं, वो बन रहे हैं आपका एंथर के चैम्बर में या एंथर की माइक्रोस्पोरियम में, ठीक है, लघु बीजाणु धानियों में। यहाँ पर मेल गैमेट बन रहे हैं। फिर इसके बाद हम बात करें अगले जो पार्ट की, जो जो सबसे इनर मोस्ट जो पार्ट है, जो फ्लावर का यानी पुष्प का जो फोर्थ जो वर्ल है यानी चौथा जो चक्र है, उसे कहते हैं गायनेसियम। गायनेसियम की एक मिनट को बताया था पिस्टिल कहते हैं। पिस्टिल के तीन पार्ट है, सबसे ऊपर तरफ आपका एक देखेंगे एक रिसेप्टिव स्टिग्मा पाया जाता है, ठीक है, म्यूकस लाइक स्टिकी होता है ये आपका स्टिग्मा वर्तिकाग्र। और इसके बाद ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसे हम कहते हैं स्टाइल या वर्तिका कहते हैं। और नीचे की तरफ एक स्वेलन पार्ट होता है, खुला भाग होता है, इसे ओवरी कहते हैं, अंडाशय कहलाता है, ठीक है। ओवरी के अंदर आप एक संरचना देख रहे हैं, ठीक है, ये ओयूल कहलाता है, इसे कहते हैं बीजांड। और ओयूल में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसे हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं, भ्रूण कोष कहते हैं। एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोष कहलाती है ये संरचना, जो थैलेमस संरचना देख रहे हैं इसे एम्ब्रियो सैक या इसे भ्रूण कोष कहते हैं। एम्ब्रियो सैक में हमने बताया था कि चार प्रकार की कोशिकाएं होती है, उसमें जो नीचे की तरफ एक बड़ी कोशिका होती है उसे ही एक सेल कहा जाता है, वही अंडकोशिका कहलाती है। और एक सेल या अंडकोशिका को ही फीमेल गैमेट कहते हैं। तो फीमेल गैमेट कहां बना है, फीमेल गैमेट बना है ओयूल के एम्ब्रियो सैक में। और जो मेल गैमेट कहां बना है, मेल गैमेट बना है आपका एंथर के माइक्रोस्पोरिंजिया में या एंथर के चैम्बर में, ठीक है, एंथर के लोब में कह सकते हैं, ठीक है। तो समझ गए होंगे मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन, तो मेल गैमेट बनेगा और फीमेल गैमेट बनेगा। थोड़ा सा अगर आप इसको देखना चाहें ओयूल को यानी बीजाणु को अगर समझना चाहें, तो बीजाणु का फिगर थोड़ा सा डिटेल में यहां पर बना दे रहे हैं, ठीक है, आइए समझ लेते हैं ओयूल के फिगर को, ठीक है, क्योंकि जो फीमेल गैमेट से बनेगा। अब मेल गैमेट को हम डिटेल में समझेंगे कि आपका मेल गैमेट किस तरीके से माइक्रोस्पोरियम बनता है, अर्थात माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस कैसे होती है, और मेगास्पोरोजेनेसिस यानी आपका जो गुर बीजाणु है या एक सेल का फॉर्मेशन कैसा होता है, इसको तो हम डिटेल में जानेंगे ही, लेकिन थोड़ा सा हम जान लेते हैं इसको यहाँ पर जो ओयूल है बीजाणु, क्योंकि जब पॉलिनेशन होता है परागण की, पॉलिनेशन के बाद जब फर्टिलाइजेशन या निषेचन की क्रिया होती है, तो निषेचन की क्रिया में इसको थोड़ा सा जानना जरूरी है कि किस तरीके से पॉलिन ट्यूब यानी परागनलिका इसमें एंट्री करती है, इस बात का भी जिक्र किया जाएगा। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझना बहुत ही जरूरी है। तो आइए हम जानते हैं ओयूल के बारे में या बीजाणु के बारे में, ठीक है। स्ट्रक्चर आप ओयूल जान लेते हैं, बीजाणु की संरचना, तो बीजाणु की संरचना को देखें तो ये आपका कह सकते हैं एक साइकिल लाइक स्ट्रक्चर होती है, थैलेमस संरचना होती है।
ये हमने बना लिया है ओयूलिन बीजाणु को। अब इसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती है, पेरेनकाइमल होती है, मृदुत्व कोशिकाएं होती है, तो थोड़ा सा कोशिकाओं को बना दे रहे हैं। इस तरीके से पूरी पूरी पूरा जो आप देख रहे हैं जो ओयूल होता है बीजाणु, इस तरीके से कोशिकाओं से भरा हुआ होता है। केवल ये आपका एंडोसाइट को छोड़ करके पूरी सोल कोशिका बना दे रहे हैं और बाकी पूरी बीजाणु। इस तरीके से पूरी कोशिकाएं इसमें फिलअप होती है, कोशिकाएं इस तरीके से बनी होती है। इस तरीके से पूरी कोशिकाएं इसमें फिलअप होती है, कोशिकाएं वाली होती है। थोड़ा सा कोशिकाओं को ज्यादा नहीं बनाएंगे, लेकिन आई मेन बात करते हैं एम्ब्रियो साइट के ऊपर। इसमें जो आप नीचे की तरफ देख रहे हैं जो एक फिलामेंट देख रहे हैं, अर्थात जिससे ओयूल जुड़ा होता है, इसे कहते हैं फनिकल कहते हैं। ये गलत है, फनिकल बीजांड वृंद कहते हैं। ये गलत है, बीजांड वृंद इसको फनिकल कहते हैं। और ये जो दोनों आप जो दो इसमें संरचनाएं देख रहे हैं, इसे कहते हैं इंटीग्रमेंट्स। यह गलत है आपका आपका आउटर और इनर इंटीग्रमेंट्स, ठीक है, अर्थात ये कवरिंग होती है, ये इसकी आवरण होते हैं। ये कहलाता है आपका आउटर इंटीग्रमेंट्स या बाह्य आवरण। आउटर इंटीग्रमेंट्स, ठीक है, या बाह्य आवरण, और अंदर तरफ ये है आपका इनर इंटीग्रमेंट्स। ये कहलाता है इनर इंटीग्रमेंट्स या आंतरिक आवरण। आउटर इंटीग्रमेंट्स और इनर इंटीग्रमेंट्स, ये दो प्रकार के इंटीग्रमेंट्स होते हैं, ठीक है, और इधर भी आपके आउटर और इनर इंटीग्रमेंट्स बने हुए हैं। अब थोड़ा कोशिकाओं पर हम लेते हैं, ये कोशिकाएं तीन प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एंटीपोडल कहते हैं, ये गलत है, प्रतिमुख कोशिकाएं, ये एंटीपोडल सेल है, या इसे प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं, एंटीपोडल सेल्स होती हैं। और बीच में दो जो आप वो न्यूक्लियस देख रहे हैं, ये गलत है आपका पोलर न्यूक्लियाई, ये है ध्रुवीय केंद्रक, ये पोलर न्यूक्लियाई या ध्रुवीय केंद्रक है। और नीचे की तरफ जो देख रहे हैं इसमें जो बड़ी वाली जो कोशिका है इसे कहते हैं एक सेल, ये गलत है, अंड कोशिका। और जो साइड में जो दो कोशिका है उसे कहते हैं साइनेरिड, इधर भी है और इस साइड वाली उधर वो भी है आपका, ये गलत है, साइनेरिड सेल, इसे कहते हैं साइनेरिड या सहायक कोशिका, ठीक है। ये हो गया फनिकल, हो गया बीजाणु वृंद, अर्थात बीजाणु यानी आपका जो ओयूल जिस फिलामेंट से लगा होता है इसको फनिकल या बीजाणु वृंद कहते हैं। और जो दोनों कवरिंग जो आपका आउटर और इनर इंटीग्रमेंट्स, जहां पर एक आगे की तरफ अर्थात एंटीरियर में एक दूसरे को थोड़ा सा कवर नहीं किए होते हैं,
थोड़ा सी स्पेसिंग रहती है, इसे कहते हैं ये कराता है माइक्रोबाइल या बीजांड द्वारा कराता है, अर्थात बीजांड के लिए कह सकते हैं या ओयूल के लिए थोड़ा सा एक स्पेस बन जाता है, एक पाथवे बन जाता है, ठीक है, एक रास्ता बन जाता है, इसे माइक्रोबाइल या बीजांड द्वार कहते हैं, ठीक है। ये दोनों जो जो आउटर और इनर इंडिगमेंट्स हैं, इनका जो बेस होता है अर्थात जहां से निकले होते हैं वो कहलाता है आपका क्लैजा या निभागी कहते हैं, उसे कहते हैं क्लैजा या निभागी। दोनों जो आवरण है आउटर और इनर इंडिगमेंट्स जहां से निकले होते हैं, जहां पर जो इनका बेस होता है, ठीक है, वो क्लैजा या निभाग कहलाता है, ठीक है। और इनका ओयूल की जो कोशिकाएं होती हैं, जो अधिकांश कोशिकाएं उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, वो कहलाता है न्यूक्लियस। ओयूल की कोशिकाओं को या कह सकते हैं कि बीजांड की कोशिकाओं को हम बीजांडकाय कहते हैं, ठीक है, वो आपका न्यूक्लियस, या कह सकते हैं एक ओयूल का जो अधिकांश भाग होता है अर्थात ओयूल की जो बॉडी होती है वो न्यूक्लियस कहलाता है, उसे बीजांडकाय कहते हैं, ठीक है। अब लगभग हम सारे पार्ट्स इसके कवर कर चुके हैं, ठीक से एक बार फिर से देख लेते हैं। एक ओयूल की संरचना को देखें, अगर हम बीजांड को देखें तो ओयूल में आप देखेंगे नीचे की तरफ एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे हम फनिकल कहते हैं, ये बीजांड वृंद कहलाता है, ठीक है। बीजांड वृंद यानी फनिकल से ही जुड़ा, फनिकल के माध्यम से ही एक ओयूल जो है जुड़ा होता है आपका नीचे की तरफ आपका रिसेप्टर से जुड़ा होता है, ठीक है, या प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। फिर इसके बाद हम बात करें इस ये जो आपका ओयूल है, ओयूल दो कवरिंग से, ओयूल जो आपका ओयूल में जो एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोष होता है, ये भ्रूण कोष दो कवरिंग से कवर्ड होता है, आउटर और इनर इंडिगमेंट्स बाह्य और आंतरिक आवरण, आउटर इंडिगमेंट्स और इनर इंडिगमेंट्स बाह्य और आंतरिक आवरण, ठीक है। इसके अंदर एम्ब्रियो सैक की जो थैली लाइक स्ट्रक्चर होती है इसे कहते हैं एम्ब्रियो सैक, थोड़ा दिख दे रहे हैं, ये जो थैली है इसे कहते हैं एम्ब्रियो सैक, ये कहलाती है एम्ब्रियो सैक, ठीक है। इसे हम कहते हैं भ्रूण कोष, ये जो आप थैली नुमा संरचना देख रहे हैं ये है एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोष। एम्ब्रियो सैक में चार प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, ये ऊपर की तरफ जो तीन कोशिकाएं उसे एंटीपोडल या प्रतिमुख कोशिका कहते हैं, ये है एंटीपोडल सेल या प्रतिमुख कोशिका। उसके बाद में जो बीच में दो न्यूक्लियस है इसे कहते हैं पोलर न्यूक्लियस, ये ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। नीचे की तरफ आप देखेंगे जो बीच वाली जो कोशिका है उसे कहते हैं एक्सेल, साइड में दो साइनेटिक सहायक कोशिकाएं हैं। तो एक्सेल का फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस के अंतर्गत, अर्थात जो गुरु बीजाणु जनन की क्रिया होती है उसके जरिए हम जानेंगे एक्सेल का कैसे फॉर्मेशन होता है, अर्थात फीमेल गैमेट कैसे बनता है, ये हम जानेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस में या गुरु बीजाणु जनन में, ठीक है। और हमने बताया कि जो आउटर और इनर इंडिगमेंट्स हैं ये इनका जो बेस होता है था जहां से निकले होते हैं उसे क्लैजा या निभागी कहते हैं, और ओयूल के का जो बॉडी होता है, ओयूल का जो काय होता है उसका जो शरीर होता है उसे न्यूक्लियस या बीजांड काय कहते हैं, ठीक है। लगभग हमने ओयूल के बारे में एक शॉर्ट जो है इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर ली, एक संक्षिप्त जानकारी हमने प्राप्त कर ली, ठीक है। तो आज की वीडियो बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द ही एक या दो दिन के बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, और उसमें हम जानेंगे सबसे पहले हम जानेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, अर्थात लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, उसके बाद हम जानेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। तो माइक्रो और मेगास्पोरोजेनेसिस के माध्यम से गैमेट का फॉर्मेशन होगा, फिर उसके बाद हम पॉलिनेशन को पढ़ेंगे, परागण किसे कहते हैं, पॉलिनेशन के टाइप्स को पढ़ेंगे, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन को पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन में आपका डबल फर्टिलाइजेशन भी आपको बताएंगे, दोहरा निषेचन किसे कहते हैं, इस तरीके से। उसके बाद हम बात करेंगे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस कैसे होती है, एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस के बाद फिर थोड़ा सा हम फिर उसके बाद हम थोड़ा सा जानेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन की विधियों से एक एंजियोस्पर्म इम्प्लांट में हो सकता है, उसको भी हम थोड़ा सा शॉर्ट में जानेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से भी बहुत सारे टॉपिक बचे हुए हैं इसमें आपका रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म इम्प्लांट में। तो वीडियो आपको कैसा लगा जो है अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें ये अपने सुझाव जरूर दीजिएगा और अपनी राय भी हमें दीजिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के पास शेयर करें, ठीक है। और जल्द ही नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर होते हैं, तब के लिए नमस्कार, धन्यवाद।